हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, आर यू एंजॉयिंग योर स्टडी और नॉट? आर यू एंजॉयिंग योर स्टडी? वी नो दिस इज अ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, सो समटाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बिकॉज यू कांट पुट अप एनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टीचिंग, बट नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू गिव यू आवर बेस्ट. फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आकर स्कूल में पूछ सकते हैं. नाउ टेल मी, ऑल ऑफ यू हैव रेड द चैप्टर ऑफ सेकंड जल. जल का चैप्टर आपको कल पढ़ाया गया था, आप सभी ने उसे पढ़ लिया है. उसमें आपने क्या क्या जाना जल के चैप्टर में, बताइए मुझे. किस किस ने पढ़ा है? रितांश, आपने चैप्टर पढ़ा है? क्या पढ़ा चैप्टर में? चैप्टर में आपने जाना कि जल एक अमूल्य निधि है, मतलब जल एक हमारे लिए खजाना की तरह से है, क्योंकि जल है तो कल है. जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है. जल हमें सभी चीजों के लिए जरूरी होता है, जल पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए. तो जैसे वायु के बिना होता है कि वायु के बिना हम सांस नहीं ले सकते, जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह से जल के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते. तो जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. दूसरा आपने क्या जाना कि जल हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं. जल हमें कुओं, तालाब, नहरों सभी से प्राप्त होता है, और मेन जल का साधन क्या है? वर्षा. वर्षा हमारे यहाँ जल का सबसे मुख्य साधन है. तो ये बताइए कि और आपने इसमें क्या समझा था जल के चैप्टर में? जल हमारे देश की जो सिंचाई है वो भी किससे होती है? जल से, मेन वर्षा से मुख्य साधन है, परंतु क्या होता है, कभी कभी वर्षा का तो अनिश्चित है, कभी वर्षा हो रही है, कभी नहीं हो रही है. तो हमारे देश की जो सिंचाई है वो उस समय पूरे साल किस चीज से होती है? कुओं, तालाब, नहरों, जल नलकूप, इन सभी से देश में सिंचाई की जाती है. जल इतना उपयोगी है तो हमें जल बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, ये भी आपको समझाया गया है. तो जल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल को दूषित नहीं करना चाहिए. जो होता है ना, नदियों में, नहरों में, कहीं भी जा रहे हैं तो उसमें गंदगी डाल देते हैं, उससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है. और दूषित जल ना तो पीने के उपयोग में आ सकता है, ना नहाने के उपयोग में आ सकता है, ना खाना बनाने के उपयोग में आ सकता है. दूषित जल से बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, जल को दूषित भी नहीं करना चाहिए और जल को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए. तो अब जो भी आप नहाने में बहुत ज्यादा जल बर्बाद करते हैं, अगर नल को खुला छोड़ देते हैं, तो इसको ध्यान रखिए और जितना जरूरत है उतना ही पानी यूज करिए. तो अब आप इतना सब कुछ तो समझ चुके थे, अब इसके आगे का हमें पढ़ना है. तो आप सभी अपनी बुक्स खोल लीजिए और हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. पर आप सभी साथ साथ में बुक की रीडिंग जरूर लगाया करिए, तभी आपको भी समझ में आएगा. और आपने पिछली वीडियो में जाना था कि नहरों द्वारा भी सिंचाई की जाती है, और नहरों द्वारा सिंचाई, नहरें कैसे निकलती हैं? नहरें नदियों को काटकर एक बड़े नाले का रूप दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, नहरें कहते हैं. इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे बड़ी नहर है. इस समय भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के 38% भाग की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है. तो जो हमारी पूरी सिंचाई है उसका 38% जो है वो किससे होता है, नहरों से होता है. नदियों से निकाल कर नहरें निकाली जाती हैं और उन नहरों से ही सिंचाई होती है. अब जानते हैं हम नदी घाटी परियोजना के बारे में. किसी नदी की संपूर्ण घाटी के विकास का उद्देश्य सामने रखकर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें नदी घाटी परियोजना कहते हैं. जो नदी होती हैं उनको संपूर्ण घाटी के विकास का उद्देश्य सामने रखकर, मतलब और बहुत सी चीज़ों में उस नदी के जल को प्रयोग करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना. परियोजनाओं में नदी के संपूर्ण जल को बड़ी दीवारें बनाकर एक स्थान पर रोक लिया जाता है और उस जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में
आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जो ये योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें क्या करते हैं, नदी का जो जल होता है जो बहता रहता है उसे बीच में कुछ दीवार लगाकर, दीवार बनाकर एक जगह पर रोक लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बांध, बांध बनाया जाता है, उसे उस जल को रोक लिया जाता है और फिर उस जल का जो प्रयोग है वो बहुत से कार्यों में ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। जैसे इस जल से ही बिजली भी बनाई जाती है, इस जल से ही सिंचाई के प्रयोग में किया जाता है, कुछ ऐसे ही स्थानों पर जल को रोककर पर्यटन स्थल भी बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह बना दी जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुउद्देश नदी घाटी परियोजना, क्योंकि बहुउद्देश मतलब बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो हमारे देश में बहुत सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, आइए कुछ नाम जानते हैं उनके बारे में। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी परियोजना है, हीराकुंड, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, ये किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर बना है और ये है पंजाब राज्य में। दामोदर घाटी यह दामोदर नदी पर बना है और ये कहाँ है, बिहार राज्य में। नागार्जुन परियोजना ये है कृष्णा नदी पर और ये कहाँ पर, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। कोसी परियोजना ये कोसी नदी पर है और ये है बिहार राज्य में। रिहंद घाटी परियोजना यह रिहंद नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। चंबल घाटी परियोजना यह चंबल नदी पर बना है और ये कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। तो आपने ये सारी परियोजनाओं के बारे में जाना। हीराकुंड जो है वो क्या है, सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और भाखड़ा नागल जो बांध है वो है सबसे ऊंचा बांध, ठीक। तो अब ये सारी परियोजनाएं आपने जानी, अभी हम आपको इन सभी परियोजनाओं के चित्र भी दिखाएंगे, आप उन चित्रों को देखकर उनके नाम भी याद कर सकते हैं और ये कहाँ पर है ये भी याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं इस प्रकार हैं, इनके नाम, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है ये और ये ओडिशा में है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर बना है ये और ये है पंजाब राज्य में। दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर बनी है और यह है बिहार राज्य में। नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर है और यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। कोसी परियोजना यह है कोसी नदी पर और यह बिहार राज्य में है। रिहंद घाटी परियोजना यह रिहंद नदी पर है और यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है ये और यह है मध्य प्रदेश राज्य में। योजनाओं के उद्देश्य, योजनाओं के उद्देश्य, ये जो हम परियोजनाएं बनाई जाती है इनके क्या उद्देश्य होते हैं। नंबर एक, जहाजरानी के लिए जल, बड़ी नदियों व समुद्रों में नावों, जलयानों, स्टीमरों से जो यातायात किया जाता है उसे ही जहाजरानी जल कहा जाता है। जहाजरानी जल, जो बड़ी बड़ी नदियां समुद्र होते हैं उसमें नाव, स्टीमर, शिप होते हैं, उनसे यातायात किया जाता है, इधर से उधर सामान भी भेजा जाता है, लोग भी जाते हैं एक देश से दूसरे देश, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जहाजरानी जल। तो उसके लिए भी ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जाती हैं जिससे कि ये आसानी से चल सके। इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, इस परियोजना में रावी और ब्यास नदी के पानी को सतलुज नदी में लाया गया है। इस परियोजना में क्या किया गया, रावी और ब्यास नदी जो है उसके पानी को सतलुज नदी में लाया गया है, जिस पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। इन नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं और उससे ही फिर उन नहरों का पानी जो है बहुत से चीज़ों में यूज़ किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए जल, विद्युत उत्पादन मतलब बिजली बनाने के लिए, जो ये बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं इन्हीं बांध पर ही पानी से ही बिजली बनती है। इसमें पानी को बहुत ऊंचाई से नीचे विद्युत वाली मशीन पर गिराकर उसे चलाया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है।
जो मशीन लगी होती है वहां पर, उसमें बहुत ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, और उस पर मशीन पर जब वो चलते हैं तो वहीं से ही क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। अब क्या पढ़ लेते हैं, जल का संरक्षण। जल का संरक्षण मतलब जल को हमें किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए, किस प्रकार से बचाना चाहिए। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, हमें जल को सावधानी पूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। जल को हमें बहुत सावधानी से ही उपयोग में लाना चाहिए। जल में किसी प्रकार की गंदगी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि दूषित जल के सेवन से हैजा, पेचिश, डायरिया व मलेरिया आदि रोग हो जाते हैं। अगर हम दूषित जल यानी गंदा जल पिएंगे या खाने में प्रयोग करेंगे या नहाएंगे, तो उससे क्या होगा, हैजा, पेचिश, डायरिया, मलेरिया, ऐसे बहुत से रोग हो जाते हैं। हमें कारखानों से निकलने वाली गंदगी जल में नहीं डालनी चाहिए। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उनमें से बहुत सी दूषित पदार्थ निकलते हैं, गंदगी निकलती है, तो उसके मोटे मोटे पाइप को क्या किया जाता है, गंगा में, नदी में, नदियों में वो पाइप खोल दिए जाते हैं, जिससे कि कारखाने की सारी गंदगी उसमें नदियों में मिल जाती है, और फिर वो नदियों के जरिए वो पानी हमारे पास पहुंच जाता है और वो गंदगी हमारे पास आ जाती है, तो वो हमें बीमार कर देती है। इस तरीके से जल को अपने आसपास इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। कहीं भी आसपास छोटे मोटे तालाब या गड्ढा है, वहाँ पर अगर बहुत दिनों तक जल इकट्ठा रहता है, तो उसमें भी बहुत से मच्छर, कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं, क्योंकि उसमें मच्छर पैदा होने लगते हैं। कूलर भी आपके यहाँ होता है, कूलर में भी देखते हैं, दिए बहुत दिनों तक कूलर में भी पानी भरा रहे तो उसमें भी मच्छर हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, एक तो जल को बर्बाद नहीं करें, जल को दूषित नहीं करें, और कहीं भी पानी को ऐसे बहुत दिनों तक इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो उसमें मच्छर इत्यादि हो जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इन सारी भी चीज़ों का ध्यान में रखिए और जल का बचाव करिए। अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लीजिए इसके। नदी से नहरें निकालने के लिए नदी के जल को किसी स्थान पर रोका जाता है। इसके लिए नदी में ऊंची व मजबूत दीवार बनाई जाती है, जिसे बांध कहते हैं। नदी से नहरें निकालने के लिए क्या करते हैं, नदी के जल को एक स्थान पर रोका जाता है और फिर नदी में ऊंची और मजबूत दीवार बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। भाखड़ा नागल बांध संसार का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी आपने जाना था। उसकी ऊंचाई कितनी है, 220 मीटर, और लंबाई कितनी है, 518 मीटर है। भाखड़ा नागल योजना सतलुज नदी पर बनाई गई है, सतलुज नदी पर है ना ये। इस बांध के आसपास के राज्यों को बिजली मिलती है, इस बांध से क्या होता है, आसपास के जो राज्य हैं उन्हें बिजली मिलती है, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। इससे हरियाणा, पंजाब व राजस्थान को विशेष लाभ होता है। आसपास के राज्य ना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो इनको खास लाभ होता है। हीरा कुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीरा कुंड बांध। इस योजना में ओडिशा तथा आसपास के राज्यों को लाभ पहुंचा है। इस योजना में क्या होता है, ओडिशा और आसपास के राज्य इसका लाभ उठाते हैं इस बांध का। इस बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। कहाँ पर हुआ है इस नदी का बांध, महानदी पर। नदी के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए चौड़ी चौड़ी नालियां बनाई जाती हैं, जिन्हें नहर कहते हैं। नदी के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए चौड़ी चौड़ी नाली बनाई जाती हैं, जिनसे खेतों की सिंचाई हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, नहर। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आप सभी को पता है ना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्षा, नदी, कुएं, झील और झरने से। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा। सिंचाई के मुख्य साधन कुएं, तालाब, नलकूप व नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे बड़ी नहर है। हीरा कुंड बांध सबसे लंबा बांध है, और हमें जल को सावधानी पूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। जल की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे अपने घर पर, कि जल बर्बाद नहीं होना चाहिए और जल को दूषित भी नहीं करना चाहिए।